पुलिस इंतजार कर रही है नगर निगम के आदेशों का। लेकिन इस सब के बीच में एक और दुविधा खोरी निवासियों के लिए यह आ गई है कि जब किराए के लिए मकान लेने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। बैरंग लौटने पर ये लोग विवश हो जाते हैं और सामान खाली करके यहाँ पर सड़क पर, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखिए क्यों सड़क पर बैठे हुए हैं, हालांकि सामान पैक कर दिया है लेकिन जाने के लिए कोई जगह इनके पास नहीं है। क्या नाम है आपका? ये सामान आपने पैक किया हुआ था और आप लोग यहाँ पर एक हाथ डालकर यहीं बैठे हुए काफी देर से बैठे हैं। हम कहाँ जाएंगे, इतनी धूप में मर रहे हैं लोग, वह कोरोना से मर रहे, कहाँ जाएंगे। तो किराए के मकान के लिए आप गए कहीं पर? गए थे मैम, कोई नहीं कमरा दे रहा है, बड़े परिवार है हमारा, हम कह रहे थे दो मियाँ बीवी हो, बच्चे हो तभी कमरा मिलेगा, बड़े परिवार को कमरा नहीं मिलेगा तो आधों के जहर डाल दें हमसे ही सर। हम लोग यहाँ पे बसे हैं तो सरकार हमसे ही बनी है, हम ही वोट डालते जब ही जीतती है सरकार है। तो ये हमें हटाने से पहले जो बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए, बड़े बड़े होटल बने हुए, बियर बार बने हुए, बड़े बड़े, इनको हटाए ना सरकार, ये भी तो अवैध बने हुए हैं। ये कौन से इनकी रजिस्ट्री हुई है, ये भी तो अवैध ही बने हुए ना, इनके यहाँ से क्या है, इनको क्यों नहीं हटाते। इनके यहाँ से करोड़ों पैसे मिलते हैं, रिश्वत मिलती है करोड़ों सरकार को, तो सरकार खुश है, हम गरीब इतना कहाँ से देंगे इनसे जा रहे हैं यहाँ से। हमें हटाने से पहले ये सरकार को ये होटल, ये अवैध फार्म हाउस, ये दारू के अड्डे, ये हटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम हटेंगे यहाँ से, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। हमारे ऊपर बिल्डोजर चला दें, हम अपने बच्चों को लेके बिल्डोजर के नीचे लेट जाएंगे, मगर हम हटेंगे नहीं यहाँ से, हम कहीं नहीं जाएंगे। खोरी में प्रशासन द्वारा दी गई मियाद अब खत्म हो गई है और कभी भी बुलडोजर चल सकता है, पुलिस इंतजार कर रही है नगर निगम के आदेशों का। लेकिन इस सब के बीच में एक और दुविधा खोरी निवासियों के लिए यह आ गई है कि जब किराए के लिए मकान लेने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। बैरंग लौटने पर ये लोग विवश हो जाते हैं और सामान खाली करके यहाँ पर सड़क पर, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखिए क्यों सड़क पर बैठे हुए हैं, हालांकि सामान पैक कर दिया है लेकिन जाने के लिए कोई जगह इनके पास नहीं है। क्या नाम है आपका? ये सामान आपने पैक किया हुआ था और आप लोग यहाँ पर एक हाथ डालकर यहीं बैठे हुए काफी देर से बैठे हैं। हम कहाँ जाएंगे, इतनी धूप में मर रहे हैं लोग, वह कोरोना से मर रहे, कहाँ जाएंगे। तो किराए के मकान के लिए आप गए कहीं पर? गए थे मैम, कोई नहीं कमरा दे रहा है, बड़े परिवार है हमारा, हम कह रहे थे दो मियाँ भी हो, बच्चे हो तभी कमरा मिलेगा, बड़े परिवार को कमरा नहीं मिलेगा तो आधों के जहर डाल दें हमसे ही सर। हम लोग यहाँ पे बसे हैं तो सरकार हमसे ही बनी है, हम ही वोट डालते जब ही जीतती है सरकार है। तो ये हमें हटाने से पहले जो बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए, बड़े बड़े होटल बने हुए, बियर बार बने हुए, बड़े बड़े, इनको हटाए ना सरकार, ये भी तो अवैध बने हुए हैं। ये कौन से इनकी रजिस्ट्री हुई है, ये भी तो अवैध ही बने हुए ना, इनके यहाँ से क्या है, इनको क्यों नहीं हटाते। इनके यहाँ से करोड़ों पैसे मिलते हैं, रिश्वत मिलती है करोड़ों सरकार को, तो सरकार खुश है, हम गरीब इतना कहाँ से देंगे इन सरकार को, तो इसीलिए हमें हटाया जा रहा है यहाँ से। हमें हटाने से पहले ये सरकार को ये होटल, ये अवैध फार्म हाउस, ये दारू के अड्डे, ये हटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम हटेंगे यहाँ से, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। हमारे ऊपर बिल्डोजर चला दें, हम अपने बच्चों को लेके बिल्डोजर के नीचे लेट जाएंगे, मगर हम हटेंगे नहीं यहाँ से, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? मेरे 10-12 लोग हैं परिवार में, 3 ननद हैं, 3 देवर हैं, 2 मम्मी अभी भी, 2 बच्चे, 2 सास ससुर, कहाँ लेके जाऊंगी मैं बताओ, कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोलते हैं जब आप किराए के लिए और बताते हैं कि हमारे घर में इतने सदस्य हैं? अब मैं जाती हूँ किराए पे तो बोलते हैं कि कितने परिवार है, मैं कहती हूँ मेरे 12 लोग हैं मेरे परिवार में, तो कहते हैं लोग कि 2 मियाँ बीवी होंगे, 2 बच्चे होंगे, उन्हीं को ही कमरा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा कमरा। और कमरा हाई फाई रेट बताते तो वैसे ही हम मना कर देते हैं, कौन से 2000 में 1500 में अगर कमरा मिले तो हम ले भी, मगर हमारी 6000-7000 की नहीं है हैसियत, तो हम कहाँ से लेंगे। बेलदारी करने वाले हम, रोज की मजूरी करने वाले, कैसे कैसे हमने मजूरी करके कूड़े में से ईंटें निकाल निकाल के हमने यहाँ पे जगह खरीदी, घर बनाया अपना, झोपड़ी डाली, अब वो भी सरकार हमसे छीन लेगी तो हम कहाँ जाएंगे। या हमें यहाँ से हटाने से पहले हमें कहीं सरकार कहीं हमें जगा दे, या कहीं हमें कोई कुछ हमारा जितना यहाँ पे लगा उतना हमें क्या कहते हैं वजीफा मिले, उसके बाद ही हम हटेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं हट पाएंगे दीदी, हम मर जाएंगे यहाँ पे मगर हटेंगे नहीं, हम कहाँ अपने बच्चों को लेके जाएंगे। जी आंटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरस्वती। तो कितने सालों से रह रहे हैं? मुझे यहाँ कम से कम 20 साल हो रही हैं। अच्छा। हाँ, शुरू से हम 20 साल से रह रहे हैं, जब से सरकार ने मुझसे ना आज दिन ये कहा कि कमरा खाली करो या यहाँ ना करो,
जब तक सरकार का सो रही थी नीचे आ जाओ हैं, सरकार जब भी जगती थी। अब मेरे पास मेरा ना पति है, मेरे बच्चे बारे बारे हैं, हम मेहनत मजदूरी बेलदारी का काम करते और बच्चों को पालते, जैसे कुछ जाते वहाँ 6-7 हज़ार का मुझे कमरे बताते, मेरी बस की बात नहीं है, हमें कमरा 6-7 हज़ार का कमरा ले सकते हैं, हम बच्चों को अपना वहाँ कमरा बनाया। और तब कहते तुम कितने हम यहाँ बीवी, अपने बच्चों का फार्म झोंकते हैं कि भट्टी में झोंक दे, हमें कि नहर गंगा में डाल दें, तो मैं खाली में अकेले जाएंगे तो कमरा में रहेंगे। जब तक सरकार का सो रही, सरकार जब भी जग रही थी और सरकार अब भी जग रही है, अब 20 साल तो हम लोग रह रहे, हमें कहाँ जाए भटके हैं, झोपड़ी डार के ऐसे तैसे रह रहे हैं। अब मैं मेहनत मजूरी कर कर के, तुम बोल रहे हो कि बेलदारी कर कर मजूरी कर कर अपने बच्चों को पाल रहे, कि हम सरकार को कहाँ से करें, कहाँ अपने बच्चों को लेके जाए बताओ मुझे, जय बताओ सरकार मुझे जहाँ बताए हम कहाँ जाएंगे। नहीं, सरकार हमारे भी ऊपर बेल चपराध है, अपनी जमीन ले लें, हमारी बस से बाहर है। कितने सालों से आंटी आप यहाँ पर रह रहे हो? मैं यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल में कोई ये नहीं बताने आया कि आप ये गलत रह रहे हो? नहीं, कोई किसी नहीं, आज दिन नहीं मुझे किसी ने बताया कि यहाँ सरकारी जगह है कि प्राइवेट जगह है, हमसे कोई नहीं कहा। तब हमसे इतना लेके मेरे पति ने जगह ली, मैं अपनी मेहनत, मेरे पति गुजर चुके, हम अपनी मेहनत मजबूरी करके बेलदारी काम कर कर अपने बच्चों को पाल रहे और जैसे कुछ अपनी झोपड़ी में रह रहे। हमारा आज कोई यहाँ साथ नहीं, ना आज दिन तक सरकार ने बोला है कि यहाँ जगह, मतलब आज हम तुम्हें जय बात थी, हम 20 साल तक रह रहे, मुझे तब यहाँ रुके थे, जगह खरीदी थी, तुमने मुझे क्यों खरीदने दी थी? आप जब सरकार नहीं खोली थी आंखें नीचे, तो सरकार ना सो रही थी, अब सरकार जगी है। जब सरकार है? ने कमाया, जब भी कमाया है, इतने साल तक मुझे रख रहा है, 20 साल तक तुमने जब ही मुझे खाली करवाया, तुम यहाँ क्यों झोपड़ी डालते, क्यों मेहनत मजूरी अपनी को मनते रखते? अच्छा आंटी, यहाँ पर ये सरकार कहती है, फिर अधिकारी कह रहे थे, कहते हैं कि ये जंगल की जमीन है, फिर यहाँ पर बिजली पानी कैसे दे दिया? यहाँ अब यहाँ तो मुझे प्राइवेट बिजली दे रहे हैं, अपने टैंकर से पानी लाते हैं, मेहनत मजूरी करके यहाँ, तो तुम्हारे पे तो कमी पड़ती, तुम्हारे पे तो मांग मिंग कर अपने बच्चों को गुजारा करते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने बिल्कुल, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा उषा देवी। कितने टाइम से आप रह रहे हो? मैं तो मेरा 25 साल हो गया। अब क्या करोगे सरकार? अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बोल दिया है कि ये कोरी कॉलोनी टूटेगी, अधिकारियों को बोला है कि भाई ये कोई साधारण जमीन नहीं है, जंगल की जमीन है, इसे खाली करवाओ। ये तो कोई भी नहीं बताया कि जंगल है कि साधारण है कि रेस्ट्री वाली जमीन है। जब आधे पब्लिक बसी तो सरकार कहाँ सुता, जब पूरा पब्लिक बस गया गरीब गुरबा तब कहाँ जाएगा, अपना तो जगह पता रहेगा, कहीं अपना समझा धो लिया अपना रह रहा है। अब भगा देंगे तो सरकार, अब आदमी पब्लिक कहाँ जा सकता है, यहाँ रहेगा रोड पर की तरह रहेगा, पानी टान के ना तो कहीं अपना बीच उच पर बैठेगा। तो किराए किराए के मकान में नहीं शिफ्ट करोगे आप लोग? पैसा है ही नहीं है तो कहाँ से शिफ्ट करेंगे, खाए तो बच किसी का घर में आज बड़ा है, किसी घर में नहीं आज बड़ा, वो आदमी कहाँ जाएगा किराए ना ढूंढने। 2 साल हो गए कोरोना से मरे। क्या नाम है आपका? कोरोना काल चल रहा है, जैसा कि बता रहे थे कि कोरोना में कोई घर देने को तैयार नहीं है, कोई घर देने को तैयार नहीं है इस वक्त, और अब प्रशासन जो है कभी भी बुलडोजर चला सकता है आपके घरों पर, क्या करोगे आप लोग? फिलहाल तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ में रेंट नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहे तो वो इतने हाई फाई बता रहे हैं कि हम लोग तो ले नहीं सकते। तो अभी तक जब हमें इतने इन लोगों, ये लोग तो हमें बताते हैं कि 20 साल हो गए, मगर हम अपनी बता रहे हैं कि हमें हो गए 5-6 साल, तो फिर तब क्यों नहीं आई गवर्नमेंट, तब क्यों नहीं ऑप्शन उठाया? तब भी तो ऑप्शन उठाने का इनका पूरा अधिकार था, जब सब लोग आ रहे थे, सब लोग खरीद रहे थे, तभी रोक देते कि हाँ यहाँ जगह मत लो, ये गवर्नमेंट की जगह है, तब किसी ने ऑप्शन नहीं उठाया। अब ऑप्शन उठा रहे हैं, और अब मतलब इतना ऑप्शन उठा रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोरोना में एक तो जॉब वगैरह सब कुछ छूट गई है, जॉब भी मिलती है तो 5-6-7 हज़ार 8 हज़ार इससे ज़्यादा मिलती नहीं है, और अब तो मिल भी नहीं है, और अब तो कोरोना में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम तो बहुत परेशान हैं, हमें रेंट पे किराया भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तो अब अगर तोड़फोड़ करने के लिए आगे फिर कहाँ, क्या करोगे, कहाँ जाओगे? हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, जो होना है वो होगा जी, कुछ भी होगा। तो देखिए, ये मैं घर दिखाऊंगी जिन पर बुलडोजर चलाने के लिए प्रशासन कह रहा है, किस तरह से ये लोग कच्ची छत बनाकर जो टीन शेड डालकर यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। और एक सवाल जो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बार बार जो है यहाँ के लोग सरकार से पूछ रहे हैं, उन अधिकारियों से पूछ रहे हैं जो दबाव बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है खाली की जाए खोदी की ज़मीन, कि जब ये बसावट शुरू हुई तब वे अधिकारी और सरकार कहाँ सोए हुए थे,
दृढ़ निश्चय करके यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से यहाँ पर बात भी की है, दृढ़ निश्चय कर बैठे हुए हैं कि जिएंगे तो यहीं जिएंगे, मरेंगे तो यहीं जिएंगे। बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है प्रशासन के लिए खोरी गांव में इस तोड़फोड़ को अंजाम देना, क्योंकि लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं, अपनी खून पसीने की जमा पूंजी पूरे जीवन की यहाँ पर लगाए हुए हैं, और ऐसे में अब उनका आशियाना जब उनसे छिन रहा है तो अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है, और अब वो आम आर पार की लड़ाई के मूड में नज़र आ रहे हैं। इसे गुस्सा कहिए, इसे पीड़ा कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये गरीब आदमी है, भूमाफियाओं का शिकार हुआ है, और अब ये गरीब आदमी अब मुखर होकर सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिर सरकार अपने उन अधिकारियों पर कब कार्रवाई करेगी जो अरावली क्षेत्र में जो व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं उन पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन गरीबों की छत पर प्रशासन की पूरी नजर है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।